हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ विंटर स्पेशल पराठे। तो पहला पराठा है जो है अजवाइन का पराठा, और ये लंच बॉक्स रेसिपी सारा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। तो अजवाइन का पराठा बहुत सिंपल सा है, और इसमें आटा लेंगे। आटा में अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और घी डालेंगे। घी या रिफाइन आप अपने पसंद से डालिएगा। और उसके बाद फिर इसको सान लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा को गूंथ लेंगे। और घी डालने से क्या होता है ना कि कोई भी पराठा जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो अगर आप टिफ़िन में देते हैं तो वो हार्ड नहीं होता है और बच्चे आराम से खा लेते हैं और जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल में अक्सर कंपटीशन होता है लंच बॉक्स में किसका लंच पहले ख़त्म होता है। एटलीस्ट मेरे बेटे के स्कूल में तो ऐसे ही होता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और ये आटा गूंथ लेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ पानी डालने से आटा गीला भी हो सकता है। उसके बाद फिर इसको 5 मिनट रेस्ट देंगे, 5 मिनट 7 मिनट रेस्ट देंगे। और उसके बाद फिर इसको पराठा गूंथेंगे। 5-7 मिनट रेस्ट देने से क्या होता है कि आटा अच्छे से फूल जाता है और रोटियां बहुत अच्छी या पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो आ गए हैं पराठा बनाने के लिए। अब इसमें मैं बनाऊंगी आपके लिए ट्रायंगल पराठा। इसके कई तरीके का पराठा बनता है, तो आज मैं जो पराठा बना रही हूँ वो ट्रायंगल पराठा है। तो आगे और भी कई तरीके के मैं पराठा से शेयर करूँगी। तो इससे पहले एक आटा लगा करके एक रोटी की तरह बेल लेंगे, और रोटी की तरह बेलने के बाद इसमें घी लगाएंगे। तो देखिए, अगर आपका आटा थोड़ा कम पड़ रहा है तो आटा डस्ट करते जाइएगा और देखो अच्छे से गोल हो जाता है। अब ये पराठा जो है जितना फैला के बेल सकते हैं आप, जितनी बड़ी छोटी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पूरे में घी लगा देंगे। घी लगाने से क्या होता है ना कि आटा एक तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है पराठा, और दूसरा लेयर बहुत अच्छे से निकलता है। तो यहाँ पे मैं घी लगा दी हूँ, और घी लगाने के बाद फिर इसको इस तरीके से ट्रायंगल में मोड़ देंगे। मोड़ करके इसको फिर से बेल लेंगे, और ये बहुत सुंदर ट्रायंगल पराठा बनता है। तो ये हो गया एक ट्रायंगल पराठा। अब इसको सेक लेंगे, और सेकेंगे कैसे, हमेशा मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे, लो फ्लेम पे नहीं सेकेंगे, मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। मीडियम फ्लेम पे अच्छा सिकता है। देखिए हमारी एक बड़ी सी ट्रायंगल पराठा हो गया। वैसे मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से घी या रिफाइन लगा करके आप जैसा भी चाहे सेक सकते हैं। और जब एक तरफ हल्का सा सिक जाए तभी दूसरी तरफ से पलटेंगे और घी लगाएंगे, नहीं तो ऐसे थोड़ा कच्चा रह जाएगा और ऐसे सेकने से खूब अच्छे से पक जाता है। तो ये हमारा ट्रायंगल पराठा रेडी। अब इस दबा दबा के अच्छे से इसको सेक लेंगे, और दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे। तो हमारा ट्रायंगल पराठा रेडी है लंच बॉक्स में जाने के लिए। और एकदम करारा करारा, क्रिस्पी क्रिस्पी, और ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत टेस्टी सा, बहुत टेस्टी सा बनता है ये पराठा। तो दूसरा पराठा हम बनाएंगे, वो बनाएंगे स्क्वायर पराठा। तो स्क्वायर पराठा के लिए भी हम गोल रोटी बेल लेंगे, और उसके बाद फिर इस तरीके से दोनों तरफ से इसको फोल्ड करके
और उसके बाद फिर दोनों तरफ से फोल्ड करके स्क्वायर बना लेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर पराठा बन जाएगा और उसके बाद इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारा स्क्वायर पराठा रेडी हो गया है। और अब इसे भी सेक लेंगे। तो आप बड़ा छोटा आप अपने साइज से कर सकते हैं, कितना बड़ा आपको रखना है, कितना छोटा रखना है, वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर पराठा रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पराठा की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा मूली का पराठा। तो मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है, उसके बाद इसका सारा पानी निचोड़ करके निकाल दिया है, और उसके बाद फिर इसमें अजवाइन और नमक डाल करके गूथेंगे। वैसे तो मूली में पानी होता है, तो इसलिए अच्छे से पानी निचोड़ दें, और पहले कोशिश करें कि मूली का जो पानी है ना, मूली में ही ये आटा गूंथने के लिए, अगर इसमें हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ऊपर से थोड़ा पानी डाल सकते हैं, जो पानी हम लोग मूली से निकाले थे ना, वही पानी डाल करके गूंथ सकते हैं। तो ये देखिए मैं वही वाला पानी यूज कर ली हूँ, और इसमें अंदर में कुछ घी वगैरह नहीं डालेंगे, आप चाहे तो डाल सकते हैं, बट ये पराठा जो है ना वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये देखिए हमारा जो आटा है वो गूंथ गया है अच्छे से, और इसे रेस्ट पे नहीं देंगे, 5-7 मिनट बिल्कुल नहीं रेस्ट पे देंगे, क्योंकि इसमें मूली है और नमक डाला हुआ है, तो फिर ये आटा रेस्ट पे देंगे तो गीला हो जाएगा, तो पराठा तुरंत ही बना लेंगे। और इसके पराठे ना थोड़े से मोटे ही बनते हैं, तो इसके पराठे भी आप अपने साइज के अनुसार बना सकते हैं, गोल लंबा मोटा पतला जैसा भी है, वो अपने साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कि ट्रायंगल स्क्वायर जैसे भी हो। और मैंने यहाँ पे ट्रायंगल पराठा बनाया है मूली का। तो ये देखिए हमारा मूली का पराठा रेडी है, और ये पराठा थोड़ी सी मोटी ही रहती है, मूली का हो गया, मेथी का हो गया, थोड़ी सी मोटी पराठा ही रहती है ये सारा। तो बस इसको भी सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और हम तब तक नेक्स्ट पराठा बना लेंगे इसी तरीके से सारे। अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिया है, और उसके बाद थोड़ा सा मैं प्याज फ्राई की हूँ, मतलब 2 प्याज होगा मीडियम साइज का, और उसके बाद फिर आलू जो है वो मैं डालूंगी। तो 8 से 10 आलू था इसमें। तो आलू के पराठा ना फ्राई करके बनाने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कभी आप ट्राई कीजिएगा। इसमें धनिया पत्ता वगैरह सब डालेंगे, तो आलू को खूब अच्छे से फ्राई करेंगे, और देखिए आलू हमारा धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। ये जितना अच्छा से फ्राई होगा, इसमें अजवाइन भी डाली हूँ मैं, और नमक भी डाली हूँ, तो ये भूल गई मैं। उसके बाद फिर ये पोटैटो मैसर होता है ना, इससे आलू को मैश कर लेंगे, ताकि आलू में एक भी बड़ा बड़ा आलू नहीं रहे टुकड़ा। तो इससे क्या होगा कि पराठा हमारा फटेगा नहीं, और ये हमारा आलू भुन गया है। और उसके बाद फिर इसमें धनिया पत्ते डालेंगे अपने हिसाब से, आपको जितना पसंद है उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं मिर्च नहीं डाली हूँ, क्योंकि कार्तिक खाता है, तो आप चाहे तो हरी मिर्च डाल सकते हैं। और ये हमारा आलू तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। रूम टेम्परेचर पर
आलू का पराठा आता है तो आलू का स्टफ, तो ये फटता नहीं है। अब इस तरीके से गोल बना लेंगे दोनों हाथों से, इस तरीके से गोल बन गया। अब इसमें आलू भरेंगे जो कि हमारा पहले से रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो उसके बाद दबा दबा कर भरेंगे और इसका मुंह जो है ऊपर वाला उसे बंद कर देंगे। तो इसको बंद कर देंगे मुंह इसका, और थोड़ा सा मैं आटा ली हूँ, हाथ में लगाई हूँ ताकि ये चिपके नहीं, और थोड़ा सा आटा और डस्ट करके इस तरीके से दोनों हाथों के सहारे से इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, गोल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आलू जो है वो चारों तरफ फैल जाएगा एक से बराबर में। उसके बाद इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं डालकर बेल लेंगे नहीं तो फट जाएगा। तो इसको हल्के हाथों से बेल करके मीडियम फ्लेम पर इसको हम लोग सेक लेंगे। इसे भी हम लोग मीडियम फ्लेम पे सेक लेते हैं दोनों तरफ से। जब हल्का सा ऊपर से ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें इसको पलट देंगे, और उसके बाद फिर रिफाइन लगा करके या घी लगा करके आप अपने अनुसार सेक लेंगे। अब आलू के पराठे को अगर आपको लंच बॉक्स में देना है तो इस तरीके से तवा पर ही आप काट लें, तो तवा पर कट जाएगा, थोड़ा सा पकेगा भी, क्रिस्पी भी हो जाएगा। और इस तरीके से तवा पर ही काट लें, और काट करके फिर इसका पीस पीस कर करके लंच बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा आलू का पराठा रेडी हो गया है, और इसे सर्व करेंगे आंवला जो कि बॉईल करके इसमें नमक और सिर्फ सिंपल सा सरसों तेल डाला हुआ है, जो कि विंटर के में बहुत आता है आंवला, और धनिया की चटनी के साथ। तो यहाँ पे आलू का पराठा हमारा रेडी हो गया है। अब हम बनाने चलते हैं पालक की पूड़ियाँ। तो पालक की पूड़ी बनाने के लिए इस तरीके से पालक को धो करके, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच पानी डाल करके, क्योंकि पालक में ऑलरेडी बहुत पानी होता है, करके इसको ये कर लेंगे। और उसके बाद फिर बॉईल कर लेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद फिर आटा में पेस्ट बना लेंगे ठंडा करके, और उसके बाद आटा में डाल करके इसकी पूरियां बनाते हैं। तो पूरियां मैं बना रही हूँ, इसमें आप चाहें तो पराठा भी बना सकते हैं, और इसमें अजवाइन भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं। तो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे को अजवाइन और नमक पूड़ी के साथ नहीं पसंद है, उसको प्योर पूड़ी चाहिए होता है, और ये मुझे नहीं समझ में आता है। छोटा था थोड़ा, 1 साल पहले, तब तो वो खा लेता था, इतना उसे कलर वगैरह का नहीं पता था तो खा लेता था, लेकिन अब जो है वो उसे येल्लो पूड़ी चाहिए होता है, वाइट पूड़ी चाहिए होता है, जो नॉर्मल पूड़ी होती है सिंपल से वो वाली पूड़ी। तो मुझे नहीं पता है कि ये खाएगा कि नहीं ग्रीन पूड़ी देख करके, क्योंकि अब उसे सारे कलर का नॉलेज हो गया है। तो इसीलिए मैं इसमें नमक नहीं डाली हूँ, क्योंकि नमक उसे पूरी में पसंद नहीं है, पराठा में भी पसंद नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूथ लेंगे, और आप चाहें तो और भी इसमें जो है प्यूरी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये पहली बार एक्सपेरिमेंट है विंटर में कि वो खाएगा कि नहीं, अचानक से टेस्ट चेंज हो जाएगा तो शायद नहीं खाए, और नहीं खाया था वो, उसे ग्रीन पूरी नहीं चाहिए थी, उसे येल्लो पूड़ी चाहिए थी, सिंपल सी आटे वाली पूड़ी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के गूथ ली हूँ मैं इसे, और गूथने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा घी भी डालेंगे, लेकिन मैं नहीं डाली थी, और घी डाल के छोटे छोटे से मैं पूड़ी बनाई हूँ बेसिकली रुद्राज के लिए। और उसके बाद फिर
इसे बेल लेंगे और बेल बेल करके छान लेंगे, क्योंकि मुझे इसकी इतनी ही पूरियां बनानी थी, बाकी सब लोग ने पराठा खाया था, तो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बस मैं बनाऊंगी, ये तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट है। बाकी सब लोगों को पराठा अच्छा लगा था, और हमेशा मैं बनाती हूँ पालक की, मेथी की, चुकंदर की, जितने विंटर के सब्जी आते हैं ना वो सब के पराठे। तो यहाँ मैं सारा पूड़ी बेल लूँगी और उसके बाद फिर इसको छान लेंगे। तो ये हमारे चारों पूड़ियाँ बेल दी हूँ मैं, चारों पूरी को। और अब मैं इसे थोड़े से घी में छान लूंगी। ये कढ़ाई जो है वो घी का है ऑलरेडी, और इसमें मैं ज़्यादा घी नहीं डालूंगी, क्योंकि ये जो मैं पूरी छानती हूँ रुद्राक्ष के लिए, तो बस दो बार छानती हूँ, उसके बाद वो घी को मैं हटा देती हूँ और उसको आटे में मैं यूज कर लेती हूँ, आटे में सान। तो उसे पूड़ियाँ ज़्यादा पसंद है, तो पूड़ियाँ पूड़ियाँ करते रहता है। ये हमारा पालक का पूरी रेडी है। तो बस यहीं तक था आज का ब्लॉग, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।